सीता लोनावत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग मेडिको। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल द लर्निंग मेडिको। ऑन दिस ऑन टुडेस लेक्चर ऑफ पैरासाइटोलॉजी वी शैल स्टडी अबाउट द टॉपिक एंटेरोबियस वर्मिकुलर। सो लेट्स बिगिन। एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, इसका कॉमन नेम है पिनवर्म, क्योंकि इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो वर्म का जो पोस्टीरियर एंड है वो पॉइंटेड होता है पिन की जैसे, इसलिए इसे पिनवर्म या फिर थ्रेडवर्म भी कहा जाता है। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसका वर्ल्ड वाइड है और उसका जो हैबिटेट है मेनली सीकम, अपेंडिक्स और असेंडिंग कोलॉन है। लाइफ साइकिल ऑफ एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, इसका जो अडल्ट वर्म है वो वाइट फ्यूसिफॉर्म वर्म है और उसका जो माउथ है वो थ्री क्यूटिकुलर एक्सपेंशन से है कवर किया है, जिसे बोलते हैं हम सर्वाइकल एले। और इसका जो इसकी जो फीमेल है वो 8 to 3 mm लॉन्ग और 0.3 to 0.5 mm थिक है, और जो मेल है वो 2 to 5 mm लॉन्ग और 0.1 to 0.2 mm थिक है। उसकी जो फीमेल है उसका जो पोस्टीरियर एंड है वो पॉइंटेड और स्ट्रेट है, और ओविपेरस है फीमेल। जो मेल है उसका जो पोस्टीरियर एंड है वो ट्रंकेटेड है, कर्व्ड है, और इसमें डबल बल्ब इसोफेगस भी है। लाइफ साइकिल ऑफ एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, इसका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही होस्ट है वो है मैन। अब होता कैसे, मैन इंजेस्ट एम्ब्रियोनेटेड एग बाय ऑटो इन्फेक्शन, एग्स इंजेस्ट होते हैं, फिर हमारे स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूस है उसकी वजह से जो एक्शेल है वो ये हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, और उसकी वजह से इन्फेक्टिव लार्वे रिलीज होते हैं एग में से। अब ये जो इन्फेक्टिव लार्वे वो हैच होते हैं इंटेस्टाइन में, वो मोल्ड करते हैं ईलियम में और फिर वो जाते हैं सीकम की तरफ। सीकम में क्या होता है, जो ये जो लार्वा है वो मैच्योर होता है अडल्ट में। फिर जो ग्रेविड फीमेल है रेक्टम की तरफ कोलॉन और रेक्टम कोलॉन से रेक्टम की तरफ माइग्रेट करती है, और जब रात में जो होस्ट सोया हुआ रहता है वो वर्म उसकी पेरी एनल और या फिर पेरी नियल स्किन के पास आती है, वो वहां पर एग ले करती है, मेल डाइज आफ्टर मेटिंग, और वो जो पेशेंट है ऑब्वियसली वो वर्म वहां पर एग ले करती है, उसकी वजह से उसे वहां पर स्क्रैचिंग होती है, और जो पेशेंट है वो वहां पर स्क्रैच करता है वो रीजन में, उसकी वजह से जो एग्स है उसके फिंगर्स या फिर नेल्स में अड़क जाते हैं, और फिंगर्स और नेल्स में ये होने की वजह से जब वो वही इन्फेक्टेड हाथों से खाना खाता है वो वापस उसके मूत्र उसके इंजेस्ट हो जाते हैं, और ये ऑटो इन्फेक्शन हो सकता है, और इसकी लाइफ साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू होती है। एक ऑटो इन्फेक्शन के थ्रू ये करता है, इंजेस्ट करता है मैन, उसके बाद जो एक्शेल है वो डिसॉल्व हो जाती है स्टमक के गैस्ट्रिक जूस की वजह से, जिसकी वजह से इन्फेक्टिव लार्वा रिलीज होता है, वो लार्वा हैच आउट होता है इंटेस्टाइन में, वो मोल्ड करता है ईलियम में, और उसके बाद वो आता है सीकम में। सीकम में क्या होता है, जो लार्वा है वो डेवलप होता है मैच्योर अडल्ट में, उसके बाद जो ग्रेविड फीमेल है वो एग ले करती है, वो एग ले करती कहाँ पर, वो बाहर आती है पेरियनल फिर पेरिनियल स्किन की पेशेंट के, और वहां पर वो एग ले करती है, जिसकी वजह से पेशेंट को वहां पर स्क्रैचिंग होती है, इरिटेशन होती है, और वो वहां पर स्क्रैच करता है, उसकी वजह से जो एग्स है वो उसके फिंगर या फिर नेल्स में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से उसे ऑटो इन्फेक्शन हो सकता है। पैथोजेनिसिटी ऑफ एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, हमने लाइफ साइकिल में ही देखा था कि जो फीमेल वर्म है वो पेशेंट के पेरियनल और पेरिनियल स्किन के वहां पर आकर एग्स ले करती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत इरिटेशन और प्रूराइटिस मतलब एक्सेसिव इचिंग होती है वो एरिया में, और उसकी वजह से वो उसके उसको वहां पर स्क्रैचिंग होती है, और हमें बहुत बार नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस भी दिखाई देता है। लैब डायग्नोसिस ऑफ एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, पहले होता है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एग्स, हमें एग्स फीसेस में दिख सकते हैं पर वो बहुत स्मॉल प्रपोर्शन में होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है एग्जामिनेशन के लिए। फिर डिपॉजिटेड पेरियनल और पेरिनियल स्किन में वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए हमें वो वहाँ से यूजफुल हो सकता है।
और एक्स बीनीथ द नेल्स। जब पेशेंट स्क्रैच करता है तो कुछ एक्स उसके नेल्स और हैंड्स में भी चले जाते हैं, इसलिए हमें नेल्स के बीनीथ से भी एक्स मिल सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अडल्ट वर्म। हमें स्टूल के जो सर्फेस है वहाँ पर हमें अडल्ट वर्म दिख सकते हैं जो कि मेटिंग के बाद डाई होते हैं। Hope you learned the topic very well. If so, please hit the like button and subscribe to my channel, The Learning Medico. Thank you.